जय राम जी दाऊ। जय राम भैया। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा ज्ञानचंद यादव। और कौन सा गांव है? गयागंज बरारू ग्राम पंचायत। जी, जिला कौन सा लगता है ये? सागर, तहसील सागर। तो ये आपने फसल कौन सी लगाई है? जी 17-18 नंबर है। जी जी, तो कैसी लगी वैरायटी आपको? वैरायटी ये मार्केट में 2 से 4 रुपए तेज बिक रहा है। तो ये कब लगाई थी आपने वैरायटी? जी मैंने करीब 3 महीने हो गए इसको, 3.5 महीने। 3.5 महीने हो गए। उत्पादन कैसा मिला आपको इसका? उत्पादन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं। तो रेट अब अभी क्या जा रहा है? रेट अब इसका है 22-23 रुपए थोक में जा रहा है। हाँ, और ये तो रखता ही मंडी में। जी जी, जैसे ही रखता हूँ सबसे पहले डिमांड है मेरी। जी सर, एक दिन पहले बुकिंग हो जाती है। बिल्कुल, एक दिन पहले हो जाती है। तो अभी हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहिए कौन सी वैरायटी लगानी? भाई को बताऊंगा कि ये मेड़े पे लग के भी बांध के नहीं लगा, इसकी पैदावार ही बहुत अधिक है। तो किसान भाइयों से क्या सलाह देंगे? मेरे को ये है कि ये लगा के आप जरूर अजमाइए। जी जी, इससे पता करें मेरा जो किसान सागर। जी बिल्कुल। तो सर अपना अपना नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 84-62-84-71-61। जी, तो मैं मेरी इज्जत है इस टमाटर से मार्केट के अंदर। जी, तो ये हमारे किसान भाई हैं जो ये ज्ञानचंद यादव जी हैं, अपने सागर पटकुई बरारू के पास है। तो इन्होंने हमारी 17-18 की वैरायटी लगाई थी। इनका ये कहना है कि ये टमाटर जब मार्केट में लेके जाते हैं तो इसका 2 रुपए से 3 रुपए में भाव अच्छी अधिक मिलता है। हर टमाटर से इसको रखते ही माल हाथों हाथ बिक जाता है। अच्छा, इस टमाटर में क्या गूदा है? जी जी, और इसमें थोड़ी सी खटास है, हल्का देसी देसी जैसा है। तो नेक्स्ट ईयर की क्या प्लानिंग है अपनी? नेक्स्ट ईयर में आप कितना लगा? मैं सोच रहा हूँ कि इसको बीजा को लेकर। जी जी, तो चलिए ठीक है। तो हम आपके लिए बिल्कुल, धन्यवाद सर।